यशराज यहाँ राहुल के साथ। इसका मतलब तुम ही ने बताना इसे हमारी शादी के बारे में? हाँ, एक अनजान को? इसी की वजह से आए थे ना तुम कल यहाँ? तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऊपर से बोलते हो रुद्राक्ष धोखे बाज। हो गया, कर लिया सीन क्रिएट, शांति मिल गई तुम्हें। राहुल प्लीज बताओ इसे कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं। युवराज को हायर किया है मैंने, मेरी कंपनी में सीनियर लीगल कंसल्टेंट है, काम करता है मेरे लिए। और रही तुम्हारी शादी के बारे में पता चलने वाली बात, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, बिजनेस में अपने दुश्मनों की खबर दोस्तों से ज्यादा रखनी पड़ती है। युवराज ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। सुन लिया ना, तुमने सच क्या है, क्या गलती क्या है मेरी, यही कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, तुम्हारी चिंता करता हूँ, यही ना। तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हें रुद्र की तरह धोखा दिया। एक बात सुन लो मेरी, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा प्रशांत, तुम्हें धोखा देना पड़ेगा इसे नहीं रुद्राक्ष को। मुझे मेरी कंपनी को नंबर वन बनाना है, उसे कंपटीशन से हटाना है, मुझे मार्केट से नामो निशान मिटा देना है मुझे उसका। और ये काम तुम मेरे लिए करोगी अगर तुम्हें अपना डॉक्टर्स लाइसेंस बचाना है तो। पहली बात, मैं यहां तुमसे बात करने नहीं आई। दूसरी बात, इसका जवाब मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूं, कीप ड्रीम। तीसरी बात, और बहुत अच्छे से सुनना ये बात, ना मैं रुद्राक्ष के साथ कुछ गलत करूंगी और ना किसी को करने दूंगी। पापा, कहा था ना कि प्रीशा से दूर रहना, तो अच्छा हुआ कि वसु ने ये टिफिन देके भेजा प्रीशा के लिए, क्योंकि पूरी रात से वो यहीं है। पता तो चला कि तुम एक बार फिर से उसे धोखा दे रहे हो, वो 20 लेवल के आदमी के साथ मिलके। What? बस अप्पा, बस बस कीजिए। क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की, प्रॉब्लम क्या है, क्या पूरी फैमिली में चलता है क्या ये सब, कि आप भी और वो भी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बस जज करते रहते हैं हमेशा। मुझे बोलने का मौका तो दो अप्पा। खबरदार जो मुझे अप्पा कहा, मतलब ही खुद गर्ज धोखेबाज हो तुम। क्या कुछ नहीं साहब, प्रीशा ने तुम्हारे लिए धोखेबाज, हम मत लेना उसका। अगर फिर से तुमने मेरी बच्ची को परेशान किया तो तुम्हारा सच में पूरी दुनिया को बता दूंगा कि कैसे तुमने प्रीशा को इस्तेमाल किया है। याद रखना, दूर रहना प्रीशा से। प्रीशा के फादर थे, इतने बात तो समझ में आई, पर ये फैमिली प्रॉब्लम का क्या? तो बुड्ढा पागल हो गया, सटिया गया है वो, कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है। दो दिन पहले ना मुझे हैप्पी होली विश करता है वो, अप्पा 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए होली को गए हुए। लगा ही मुझे। फिलहाल फिलहाल इस बुड्ढे की टेंशन छोड़, प्रीशा के साथ क्या करना है वो सोचना है, उसको हमारी बात जो मनवानी है। अरे तुमने सुना ना उसका जवाब, वो नहीं मानने वाला। उसका बाप भी मानेगा। तुम ना तुम जाके हॉस्पिटल की अथॉरिटीज को कंप्लेन करो उसके बारे में। अरे कर दो कंप्लेन, अगर कंप्लेन नहीं करोगे तो प्रीशा को तो यही लगेगा ना कि तुम सिर्फ धमकी दे रहे हो, कुछ करने वाले नहीं हो, कोई एक्शन नहीं लोगे। तुम्हें एक्शन लेना होगा, तभी तो वो टूटेगी और तुम्हारे पैरों में आके गिरेगी, तो एक्शन लो। यू आर राइट, ऐसा ही करना पड़ेगा। प्रीशा को तुम संभालो और उसके बुड्ढे बाप को मैं संभालता हूं। बड़े हाथ चलते हैं इस परिवार के, हाथ बहुत चलते हैं, लेकिन बुड्ढे तूने जो थप्पड़ मारा है ना, इसके बदले में तेरे को 100 थप्पड़ नहीं पड़वाए, 1000 थप्पड़ नहीं पड़वाए, तो मेरा नाम
मेरा नाम युवराज पिल्लई नहीं, नहीं। क्या ये सब गार्डन में घूम रहे हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी के नीचे आ जाते, जान भी जा सकती थी। भड़ो, भड़ो, क्या कर रहे थे ये? सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं था सर, सॉरी। क्या हुआ, अब रोने क्यों लगे? काम क्या है तुम्हारा? सर गिरीश, कुछ परेशानी है तुमको, कोई प्रॉब्लम है? सर मेरी माँ गांव में बहुत बीमार है, उसका इलाज कराना, पैसे चाहिए थे तो मैं शहर आया पैसे कमाने, लेकिन कोई काम ही नहीं मिला, कोई रहने की जगह नहीं मिली, कुछ खाने को नहीं मिला, ये सब सोच सोच के मैं सड़क पर चल रहा था आपकी गाड़ी। सॉरी सर, सॉरी सर। कोई बात, कोई बात। तुम्हें काम चाहिए? मैं दिलवाऊंगा तुम्हें काम। आप मुझे काम देंगे? हाँ, और जब तक काम नहीं मिलता तुम मेरे साथ चल के मेरे घर पे रहो, घर के काम में मेरी वाइफ की हेल्प करनी होगी, उसके पैसे मिलेंगे तुमको। जब मैं तुम्हें कहीं काम दिलवा दूंगा फिर तुम जा सकते हो, अगर इसमें कोई परेशानी है तो। सर, क्या कह रहे हो सर? अब जो बोलेंगे मैं करूंगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब। सर धन्यवाद सर, अब तो मिले भगवान, मन क्या गए सर, थैंक यू सर। चलो बैठो गाड़ी में, घर चलते हैं। जी सर, सर मैं अपनी माँ को कॉल करके आता हूं। हाँ हाँ, फोन करो उन्हें और कहना कि चिंता नहीं करें। हाँ जी सर। हाँ सर, काम हो गया। हाँ, अपने से कहा था वैसे ही हुआ, उसके सामने आया और गाड़ी के सामने नाटक किया, बुड्ढा पिघल गया। हाँ, और अब मुझे उसके घर बुला रहा है। शाबाश मेरे नकली शहर, ऐसे अपना नाटक चाली रख। कुछ भी हो जाए उस बुड्ढे को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे मैंने भेजा है, काम पे रख जा। सर मेरी माँ बहुत खुश हुई सर। मुझ पे हाथ उठाया ना तूने बुड्ढे, तुझे थप्पड़ मारा, युवराज पिल्लई को थप्पड़ मारा तूने, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, तुझे कितने थप्पड़ पड़ते हैं तेरे मुंह पे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तू, किसी को भी नहीं। बहुत सह लिया यार, बहुत सह लिया। प्रीशा का बाप है, मेरा होने वाला ससुर है, अब देख मैं क्या करता हूँ। भाइयों आप कहाँ रह गए? अभी मैंने फोन उठाया आपको फोन करने के लिए, प्रीशा का डब्बा भी ले जाना था। और कौन है ये? नमस्ते आंटी। ए वंडा वंडा, तुम उधर ही रहो, कौन है ये? वसु, ये गिरीश है, मेरी कार से इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक्सीडेंट? आप ठीक तो? हाँ बिल्कुल ठीक। गाड़ी ठीक है ना? गाड़ी को भी कुछ नहीं। सॉरी, एक्चुअली ये बहुत परेशान है, इसके पास कुछ काम नहीं और रहने के लिए जगह भी नहीं, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं से कहीं जॉब लगवा दूंगा, तब तक ये हमारे साथ रहेगा और तुम्हारे घर के काम में ये तुम्हारी हेल्प भी करेगा। हाँ आंटी, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, झाड़ू पोछा बर्तन, मुझे खाना बनाना भी आता। आप एक मिनट अंदर आओ ना, मुझे बात करनी है। क्या हुआ क्या? आओ तो सही। अच्छा बैठो तुम। मैं नहीं, नहीं तुम इधर ही खड़े रहो बस, आओ। इस बुट्टी को मेरे पे शक तो नहीं हो गया? अगर इसे पता चल गया मैं नाटक कर रहा हूं तो? ये ना जीपीएस, किसी को भी उठा के ले आयो, कहां से है ये लड़का, चोर जैसा दिखता है, अरे कल को कुछ हो जाएगा तो? कुछ नहीं होगा, तुम तो किसी पे भी शक कर लेते। क्या शक, मैं शक नहीं कर रही हूँ, हम दोनों यहाँ जीपीएस अकेले रहते हैं। कौन है ये, कौन से गाँव से, कौन से खेड़े से, इसका माँ बाप का नाम क्या है, इसके पास आधार कार्ड है कि नहीं? जज तो तुम्हें होना चाहिए था। अरे जज मैम, रिटायर्ड जज। चोर उचक्कों को मैं शक्ल से पहचान लेता हूँ, ये वैसा नहीं है, बेचारा बहुत परेशान है, बोल रहा है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। एक मिनट, एक मिनट, और ये भी बोला होगा माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। एग्जैक्टली अपड़ीवा, पैसे कमाने तो आया वो शहर में,
अब तुम ही बताओ ना वसु, अगर हम लोग ऐसे में इसकी हेल्प नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? बस थोड़े दिन की बात, फिर मैं उसको जॉब ढूंढ के दूंगा तो खुद ब खुद चले जाएगा। दपारी जीपीएस, एक बार फिर से सोच लो, बाद में पछताना मत। सोच लिया है वसु, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ। अब तुम ज्यादा मत सोचो, आओ ना वसु, वो अकेला घबरा रहा। अकेला घबरा रहा है, कभी सुधरोगे नहीं। गिरीश, अनियन परिचित। गिरीश, क्या हुआ? ये कहाँ चला गया? अयो, दरवाजा खोल के चला गया। अरे वो शक्ल से ही चोर दिख रहा था, चोर। तुम भी ना जीपीएस, पता नहीं सब पे विश्वास करते रहते हो। वो अयो, मैं जरा पर्स देखती हूँ, पैसे वैसे सब चोरी करके गया होगा वो लड़का। अयो जीपीएस, यहाँ 500 के दो नोट रखे थे मैंने, लेके गायब हो गया। मैं कितनी बार मना करती हूँ, तुम ना जीपीएस, शक्ल देख के विश्वास कर लिया ना, चोर है वो, चोर। अयो, मेरे किचन से सामान लेके तो नहीं भाग गया वो? जरा किचन तो देखो मैं। अयो वेंकटेश्वरा, ये कभी नहीं सुनेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को पहचानने में इतनी बड़ी भूल, ये मैं कैसे कर सकता हूँ?